दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ढालपुर कुल्लू। काजा में चल रही 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में आज मंगलवार को कई रोमांचक मुकाबले हुए। पहला मैच हिमाचल प्रदेश और आईटीबीपी की टीम के बीच में खेला गया। दोनों टीमों ने एक एक गोल किए। तीन सेक्शन में हुए इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिरी पल तक कोई टीम दूसरा गोल नहीं कर पाई, लिहाजा मैच का परिणाम बराबरी पर छूटा। यूटी लद्दाख और चंडीगढ़ के बीच हुए मैच में लद्दाख विजेता बना, जबकि दिल्ली ने तेलंगाना की टीम को 1-0 के अंतर से परास्त कर दिया। इस दौरान एडीएम मोहन दत्त शर्मा, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंद्र जिंदी, नायब तहसीलदार प्रेमचंद सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए काजा से संजय भारद्वाज की रिपोर्ट। भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन एसोसिएशन विद नालंदा करियर इंस्टीट्यूट इनवाइट्स यू टू एक्सपीरियंस द मोस्ट एफिशिएंट टीचिंग बाय जॉइनिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन नीट, जेईई एंड एनडीए। दिल्ली और कोटा के बेहतरीन अनुभवी टीचर्स और आईआईटीएम्स की ये एसोसिएशन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। वी ऑल्सो ऑफर फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। भारत भारती प्री नर्सरी टू 10+2 इन एसोसिएशन विद नालंदा। कॉन्टैक्ट अस 9816136900 7018311044।